नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आठी और बाजार के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे बाजार का अपडेट। और लेकिन बाजार के अपडेट के साथ साथ जानेंगे कि आज आपका दिन कैसा रह सकता है, राशियों के हिसाब से राशिफल कैसा रहेगा, आज आपका दिन कैसा हो सकता है और वो कौन सी राशियाँ होंगी जिनमें आज लाभ कमाने की स्थिति है और किन राशियों को किस समय कारोबार करने से बचना चाहिए, किस समय कारोबार करके चलना चाहिए और उसके साथ साथ कमोडिटी बाजार कैसा रहेगा और शेयर बाजार कैसा रहेगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आज ज्योतिष के हिसाब से, एस्ट्रो फाइनेंस के हिसाब से, टेक्निकल बेसिस के आधार पर और फंडामेंटल्स के आधार पर आज का शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका दिन कैसा रह सकता है। शेयर बाजार में वो कौन से शेयर होंगे जिनमें आज आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं और कमोडिटी बाजार में वो कौन सी कमोडिटीज होंगी जिनके अंदर आज आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से जानेंगे कि शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आज आपका दिन कैसा रह सकता है, दिन कितना मुफीद रहेगा, राशियों के हिसाब से आज आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं, किस समय आपको कार ट्रेडिंग से बचना है, किस समय ट्रेडिंग करके चलना है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक, ज्योतिष के मुताबिक। हमने पहले भी देखा है कि ज्योतिष के आधार पर जो भविष्यवाणी करी थी कर्नल अजय जी ने, वो भी ठीक ठाक देखने को मिली थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसका भरपूर लाभ भी उठाया होगा। तो आइए जान लेते हैं अपने कर्नल अजय जी से कि आज आपका दिन कैसा रह सकता है। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अखिलेश आठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को शुभ प्रभात। आज 7 दिसंबर 2021 आपके लिए दिन बहुत शुभ और मंगलकारी हो, ऐसी हमारी कामना है। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स के संयुक्त प्रयासों से आज आपको मैं अपडेट दे रहा हूं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एग्रोजीन्स, शेयर बाजार और नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, कर्नल जी सबसे पहले आपसे आज का राशिफल जानना चाहेंगे कि राशियों के हिसाब से आज दिन कैसा रह सकता है, किन राशियों में आज मुनाफा लिखा है और किन राशियों को आज किस समय से ट्रेडिंग से बचना चाहिए। जी अखिलेश जी, देखिए बाजार तेज है या मंद है, सवाल यह है कि क्या आप कमा रहे हैं, क्या आपको लाभ हो रहा है। अक्सर देखा जाता है गिरते बाजारों के अंदर भी कुछ लोग जबरदस्त कमाई करते हैं और चढ़ते बाजारों के अंदर नुकसान कर बैठते हैं, इसके विपरीत भी होता है। तो आप राशियों के आधार पर भी आप ट्रेड करेंगे, समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए अधिक बेहतर होगा। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु, पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, और वायु तत्व की 3 राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और जल तत्व की 3 राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सबसे पहले अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन लाभकारी हो सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। वायु तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि मिश्रित रूप की तरह इशारा कर रहे हैं, करूं ना करूं, कितना करूं, रुक जाऊं, देख लूं, इस तरह की दिमाग में असमंजस या डिलेमा रहता है। खासकर 1 से 2 बजे के बीच में बड़े ट्रेड से बचें। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि, दिन आपके लिए संभव है मुफीद नहीं है, अच्छा नहीं है, लाभकारी नहीं है, कंफ्यूजन हो सकते हैं बड़े कारोबारी निर्णय लेने के में, एक बार दोबारा पुनः जांच करें तो बेहतर रहेगा, विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच में अतिरिक्त खतरा ना उठाएं। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है, आया हुआ लाभ हाथ से निकल सकता है, सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर ख्याल रखिएगा यदि आपका जन्म सन 1975-76 में हुआ है यानी 1975 और 76, महत्वपूर्ण ग्रह आपके जिंदगी के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं और आपके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है, अन्यथा आप बड़े निर्णयों में आप बड़ी चूक कर सकते हैं, विशेष ख्याल रखें। सकारात्मक और मजबूत ग्रह पत्रिका में आपको मान सम्मान लाभ दिला सकते हैं और कमजोर ग्रह आपको परेशानियों में डाल सकते हैं, इसका विशेष ख्याल रखें, खासकर कारोबारी इसमें विशेष ख्याल रख सकते हैं। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी,
तो ये तो हमने कर्नल एजेंसी से जाना था कि आज राशियों के हिसाब से आज आपका दिन कैसा रह सकता है, कौन सी राशि लाभ कमाने की स्थिति में रह सकती है, किस समय कारोबार करके चलना है और किस समय कारोबार करने से बचना है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से बात करेंगे कर्नल एजेंसी कम्युनिटी बाजार के बारे में। कर्नल अजय जी, सबसे पहले आपसे कृषि फसलों के बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपसे ग्वार के ऊपर ज्योतिष के आधार पर जानना चाहूँगा कि ग्वार में अभी ज्योतिष के अनुसार और टेक्निकल और फंडामेंटल्स के आधार पर कैसे रुझान देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्वार में 13,000 के लेवल्स के बाद अब सीधे जो कीमतें हैं नीचे में 9,600-9,700 तक स्तर दिखा चुकी हैं। तो ऐसे में आगे क्या स्थिति बनी रह सकती है ग्वार की? देखिए, ग्वार सीट के ऊपर जैसे मैंने आपको पहले भी आपको संकेत दिए थे और दर्शकों से बात की थी, इसके फंडामेंटल मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दोराय और कोई शक नहीं है। और ये भी देखने में आ रहा है कि ग्वार का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट रहा है और उस एक्सपोर्ट के अंदर लगातार इजाफा भी हुआ है, लेकिन कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी काफ़ी तेजी से बाजारों में देखने को आ रही है और कुछ इसमें ग्रुप्स हैं वो भी अपनी विशेष ध्यान रख रहे हैं और उसके अंदर स्पेकुलेटिव कार्रवाई हो रही है, उसकी वजह से कुछ किसानों को और कुछ अफवाहें र्यूमर्स भी काफ़ी तेजी से सुनने में आ रही हैं। कुछ ग्रुप्स कह रहे हैं कि बहुत तेजी है, कुछ ग्रुप्स कह रहे हैं बहुत मंदी है और अलग अलग बात अलग अलग है। लेकिन जहां तक फंडामेंटल का सवाल है, जहां पर बात आ रही है कि एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल के बनस्पत यदि हम देखें तो ग्वार गम का एक्सपोर्ट काफी बड़ा है और ग्वार गम के साथ साथ जो ग्वार के गम के एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं उसके अंदर भी बड़ा इजाफा हुआ है, लगभग 55% बढ़त की उम्मीद हो रही है। यदि हम थोड़ा प्रसाइज देख लें तो चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर में सन 2021 में ग्वार गम का निर्यात 1.27 लाख टन से बढ़कर 1.85 लाख टन पहुंच गया है और लगभग $77 की बढ़ोतरी ग्वार गम में दर्ज हुई है। ये पहले $1,117 से बढ़कर $1,188 प्रति टन तक पहुंच गई है। और इसके अलावा ग्वार गम का निर्यात 2020 में जो 1,061 करोड़ का था और 14.20 करोड़ की कमाई दर्ज हुई थी सन 2020 में, जबकि सन 2021 में ये लगभग 50-55% बढ़कर ₹1,631 करोड़ और $22 करोड़ तक पहुंच गई। तो अब ये आंकड़े जो हैं ये सरकार द्वारा रिलीज किए गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं इन डाटा पे विश्वास करूं। दूसरी चीज, ग्वार सीड का जो रकबा है इस बार पिछले सालों के में लगातार घटता चला गया है, रिक्वायरमेंट इस साल बढ़ के आई है और उत्पादन भी बहुत कम हुआ है। और ये भी एक गौरतलब है कि अच्छा ग्वार की क्वालिटी बाजार में बहुत कम उपलब्ध है, काला ग्वार जरूर उपलब्ध है लेकिन उसकी क्वालिटी हल्की मानी जाती है। तो कुल मिला के ग्वार के अंदर मेरा आकलन तो यही है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जो भी अच्छी है बुरी जैसी भी हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और यहाँ पे तेजी ही बन सकती है। जी अखिलेश जी। जी, तो जैसे कि कर्नल अजय जी ने बताया कि आज ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में तेजी से इनकार नहीं किया जा सकता है, ग्वार गम और ग्वार सीड में आज तेजी की संभावना बनती नजर आ रही है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट्स में भी लगातार हम तेजी देख ही रहे हैं, हालांकि जो प्रोडक्शन है पहले के मुकाबले लगभग आधा बताया जा रहा है और वायदा में थोड़ी स्पेकुलेशन भी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ग्वार की वायदा बाजार में देखने को मिल रहे हैं। वहीं हाजिर में ज़्यादा आवकें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में एक हल्की नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। लेकिन कर्नल अजय जी के मुताबिक और ज्योतिष के आधार पर आज ग्वार गम और ग्वार सीड में मजबूती की संभावना बनती नज़र आ सकती है और वैसा हम वायदा में होता हुआ देख भी रहे हैं कि वायदा बाजार में आज ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में एक बढ़त बनती नज़र आ रही है। कर्नल अजय जी, यहीं से बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने हाल ही में कुछ नरमी बनते हुए देखी थी, हल्दी हो, जीरा हो, चाहे धनिया हो, ऊपरी स्तरों से लुढ़कते नजर आए थे। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आज वायदा बाजार में धनिए में 8,800-8,900 तक कारोबार होता नजर आ रहा है,
तो क्या धनिये में ये मान लिया जाए कि धनिये में अब आगे तेजी ही बनती नजर आती रहेगी? अखिलेश जी, अच्छा सवाल पूछा है आपने। धनिया जो है कोरिएंडर, उसमें मैं आज तेजी का रुख धारता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से धनिया के अंदर आज तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। धनिया मजबूत है और धनिया के फंडामेंटल भी बहुत मजबूत हैं। फसल मतलब उपलब्ध स्टॉक और डिमांड को देखते हुए धनिया के अंदर कोई बड़ी कमजोरी आज नजर नहीं आ रही है। धनिया के अंदर तेजी बन सकती है। मसाला पैक के अंदर जैसे आपको पहले भी कहा था कि कुछ क्योंकि जैसे हल्दी में आपने कहा, तो देखिए हल्दी एक ऐसी कमोडिटी है इसके अंदर बहुत तेजी से उतार चढ़ाव चलता है। यदि जब तेजी लगनी होती है तो लगातार तेजी दिखाती है और उसके बाद जब कभी मंदी आती है तो उसके बाद नीचे की तरफ भी रुख करती है। तो ये तेजी और मंदी दोनों का एक जोड़ा है। जैसे सांस लेना होता है तो उसके बाद छोड़ना भी पड़ता है। तो हल्दी के अंदर आज थोड़ी सी कमजोरी जरूर हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी कमजोरी आने वाले 2-3 दिन में हो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो तेजी और मंदी का दौर हमेशा चालू रहेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन आज धनिया के अंदर तेजी का रुख मैं रखता हूँ। इसके अतिरिक्त वीट जो है, खासकर गेहूं के जो उपलब्ध डाटा आ रहे हैं और इंटरनेशनल भारतीय दूसरे देशों से जो समाचार मिल रहे हैं उसके ऊपर भी मैं कह सकता हूं कि गेहूं के ऊपर बहुत बड़ी मंदी की कोई धारणा रखे तो ये उचित नहीं रहेगा। वीट के अंदर आने वाले कुछ समय के अंदर बड़ी तेजी बन सकती है और ये फरवरी मार्च तक तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दाम वीट में देखने को मिल सकते हैं। अखिलेश जी, जी कनर जी, ये तो जाना था हमने कि कृषि फसलों का बाजार कैसा रह सकता है, किन कृषि फसलों में तेजी बनती नजर आ सकती है। यहां से अगर नॉन एग्री की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन जब से भारत में आया है, इनफैक्ट जब से पूरे विश्व भर में पैर फसालता नजर आ रहा है, पैर पसारते हुए, तब से हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं फ्लैट होती हुई नजर आ रही हैं। डेली बेसिस पे इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें क्लोजिंग होती है वही अगले दिन उसी रेंज में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। और ठीक वैसे ही हम कच्चे तेल में भी देख रहे हैं कि कच्चे तेल की डिमांड कभी लो बताई जा रही है, कभी हाई बताई जा रही है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भी उठापटक का माहौल है। ऐसे में आपको क्या लगता है, सोना चांदी और कच्चा तेल आगे कैसे रह सकते हैं? अखिलेश जी देखिए, बहुत अच्छा अहम सवाल है आपकी कि ओमिक्रॉन की वजह से कह लीजिए या और किसी दूसरी वजह से कह लीजिए कि बुलियन के अंदर काफी उठापटक चल रही है, काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। लेकिन आज मुझे लगता है कि आज या कल मुझे लगता है कि बुलियन के अंदर बहुत बड़ी गिरावट की संभावना शायद ना बने। ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल्स हैं कि जहां पर यदि निवेश करना चाहें तो निवेश किया जा सकता है और खासकर कारोबारी जो बुलियन के ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा तेजी की धारणा रखें तो ज्यादा बेहतर रखूंगा। और यदि मान लो निवेश नहीं करना चाहते हैं तो लेकिन शॉर्ट ना करें, शॉर्ट सेल करने में खतरा हो सकता है क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर गोल्ड के अंदर कभी भी अच्छा बाउंस हो सकता है, चांदी के अंदर भी अच्छे बाउंस होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। तो ऊपरी स्तरों पर यदि कोई बेचना चाहता है तो उसको बचना चाहिए और मुझे लगता है कि आज सकारात्मक रुख ना जाना चाहिए। अब आपका दूसरा सवाल था कच्चा तेल यानी काला सोना। कच्चे तेल के अंदर जो पिछले सप्ताह एकदम से डबल डिजिट की एक ही दिन, एक या दो दिन के अंदर जो मार लगी उसके बाद कच्चे तेल को उभरने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन उसके बाद में लगातार यदि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन देखें आप तो उसके अंदर कच्चे तेल के अंदर मजबूती ही दिखाई दी। मुझे लगता है कि कच्चे तेल में अब धीरे धीरे थोड़ी तेजी बन सकती है, इसको शॉर्ट सेल करने से बचना चाहिए। जी अखिलेश जी, जी कर्नल जी, जी सोने चांदी के साथ साथ बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में कैसा रुझान रह सकता है? कर्नल जी, सोने चांदी के साथ बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में कैसा रुझान रह सकता है, आगे कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए बेस मेटल में स्पेशली कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सभी जो बेस मेटल्स हैं उसके अंदर कॉपर सबसे अग्रणी स्थान रखता है, उसका वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा तेज होता है। मुझे लगता है कि बेस मेटल के अंदर खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि 725 के आसपास के जो लेवल्स हैं कॉपर के अंदर और एल्युमिनियम के भी जो लेवल्स हैं, मुझे लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर 2-3 दिन इसके अंदर कुछ अच्छी मजबूती की संभावना बनती है, इसलिए थोड़ी इसमें खरीदारी करके ही चलने में भलाई है। जी देख लीजिए, यहीं से कर्नल जी रुख करें अगर शेयर बाजार की तरफ तो आपके अनुसार और ज्योतिष के आधार पर
आज शेयर बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, शेयर बाजार में किन शेयरों में मंदी तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, आपको याद होगा अखिलेश जी, हमने कल शेयर बाजार के ऊपर एक टिप्पणी दी थी आपको, और दर्शकों को याद होगा कल शेयर बाजार के अंदर लगभग 900 पॉइंट तो सेंसेक्स 900 से अधिक पॉइंट और करीबन 350 पॉइंट की निफ्टी के अंदर गिरावट दर्ज हुई थी, और जिसका सुबह हमने आपको यही कहा था कि आप निचले स्तर पर बाइंग करने की दिमाग में रखिएगा, क्योंकि निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो इन और स्पेसिफिक हमने स्टॉक से आपसे चर्चा की थी कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें तो बेहतर रहेगा, निफ्टी के और बैंक सेंसेस की तरफ ध्यान नहीं रख के, और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर इस निचले स्तर पर खरीदा किया हुआ माल आपको मुनाफा दिलाने की स्थिति में बनेगा। ऐसा ही कुछ हुआ, देखिए कल हमने ICICI बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, वेदांता, हिंडालको, ये सभी स्टॉक्स की आपकी बात कही थी, नेल्को के अंदर बात की थी आपसे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, मेटल स्टॉक्स के ऊपर बात की थी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर बात की थी, और इन सभी स्टॉक्स ने आज देखिए जिसने कल निचले स्तरों पर माल खरीदा हो आज इसको पूरा पूरा लाभ मिल रहा है। सेंसेक्स लगभग 780 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी के अंदर भी अच्छी तेजी दर्ज हो रही है और ये 17,138 यानी 225-200 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रही है। तो महत्वपूर्ण ये है कि निचले स्तर पर यदि आपको अच्छा माल पकड़ने की समझ है तो आप हमेशा जीतेंगे, वरना तेजी में तेजी और मंदी में मंदी करने में नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और एक और मैं आप सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि डिस्क्लेमर्स को हमेशा पढ़ना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अपनी क्षमताओं से ज्यादा बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग, ओवर लिवरेज, अधिक लालच, अधिक पैनिक यानी घबराहट, ये इसके सबसे बड़े शत्रु हैं, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे एग्रो कमोडिटीज हो, चाहे शेयर बाजार हो। जो क्षमताओं के अनुसार काम करता है, एक सीमा से अधिक लॉस नहीं बर्दाश्त करता है यानी उसको काट देता है सौदा, वो लंबे समय तक हमेशा कमाने की स्थिति में रहता है। और जित पे जो चलता है, लगातार बड़े लॉसेस को कन्वर्ट करता जाता है, एवरेज करता जाता है, तो उसको बहुत जल्दी बाजारों से हट जाता है। तो याद रखिएगा, नफा और नुकसान, तेजी और मंदी, लाभ और हानि, ये सभी बाजार का एक प्रामाणिक हिस्सा होता है, आप उससे बचने। जी कनल जी, इसी के साथ एक छोटा सा आंसर क्वेश्चन सेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं बहुत सारे, जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है, मस्टर्ड को लेकर आ रहा है। सब जानना चाह रहे हैं कि सरसों का रुझान आगे कैसा रहेगा, सरसों का भविष्य कैसा रह सकता है। कर्नल अजय जी, इस बार हमने देखा है कि सरसों का बम्पर उत्पादन की बात कही जा रही है, अगर आवकें ज्यादा रहती हैं तो क्या इसका असर सरसों की कीमतों पर भी कहीं ना कहीं पड़ता नजर आ सकता है? बड़ा अहम सवाल पूछा अखिलेश जी आपने सरसों के ऊपर, क्योंकि सरसों की जो रबी की जो फसल की जो बिजाई की सूचनाएं आ रही हैं, जो उपलब्ध डाटा आ रहा है, उसका रकबा बहुत बड़ी तादाद में बढ़ गया है, क्योंकि सन 2020-21 के अंदर सरसों के दामों में बेहताशा तेजी थी और उसका पूरा पूरा फायदा किसानों ने और व्यापारियों ने उठाया भी, और उसको देखते हुए रबी की फसल में जो अब आएंगी उसके अंदर सरसों का सबसे ज्यादा बिजाई की सूचनाएं मिल रही हैं। अब बड़ा प्रश्न यह है कि बिजाई तो हो गई, फसल भी आएगी, क्या वो तेजी दिखा देगी या मंदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फसल आने में अभी टाइम बहुत बाकी है, फरवरी मार्च तक आती है ये, और अभी दिसंबर चल रहा है, तो इट इज टू अर्ली टू कमिट एनीथिंग ऑन दिस इशू। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि किसान निराश नहीं होंगे, जो भी किसान धैर्य से अपना फसल बेचेंगे, जो किसान धैर्य से अपना स्टॉक करेंगे क्षमताओं के अनुसार, वो निराश नहीं होंगे। और हम जनवरी फरवरी के अंदर भी आपको फसल आने से पहले इसका पूरा अपडेट देंगे, हमारे मार्केट टाइम्स इसी टीवी पे आप बने रहिएगा, इसके ऊपर विशेष शो करेंगे। जैसे सोयाबीन पे हमने किया था कि जब फसल आई थी आप लोगों को खतरे से बचाया था, निचले दामों पर बेचने से आपको रोका था, यही हाल हमने आपको कॉटन पे भी किया था, जब फसल थी कॉटन के अंदर निचले भाव पे आपको यही कहा था रुक जाओ, और उसके बाद 30-40% कॉटन में तेजी आई। प्याज की फसल पे भी आपको सही टाइम पे अपडेट दिया था कि रुक जाओ, यह जो 450-450 रुपए क्विंटल का जो भाव चल रहा है, ये आपको 3,3200 का भाव तक गया। तो आपको हम टाइमली हम आपको हम इतला करेंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए,
निश्चित रूप से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का जो अद्भुत संगम है ये आप ही के लिए है। हम हर छोटे बड़े किसान का पूरा टाइमली अपडेट करेंगे। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसा कि कर्नल अजय जी ने बताया कि सरसों में अभी इतना जल्दी कुछ प्रिडिक्शन कर देना बता देना बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्होंने काफ़ी अहम बात कही है कि जो किसान पेशेंस रखेंगे, संयम रखेंगे, उनको निराश नहीं होना पड़ेगा, खास करके सरसों में। उन्होंने पहले भी सोयाबीन में आपको निचले स्तरों पर बिकवाली करने से बचाया था और आगे भी ऐसे ही मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से आप लोगों को सबको जानकारी अवगत कराते रहेंगे और आपका मुनाफा करवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी ताज़ा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका जाएगा नहीं, सिलसिला लगातार यही बना हुआ है मार्केट टाइम्स टीवी पर।